हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम स्टडी करेंगे। जैसा कि C लैंग्वेज होती है उसी टाइप की C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसका एडवांस वर्जन होता है C का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। C++ यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, मतलब C के अंदर और फीचर्स को ऐड करके C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, C++ इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब C++ क्या एक हाई लेवल, यानी कि आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश के जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उसका यूज़ करके प्रोग्राम को राइट किया जाता है। और जनरल पर्पज का मतलब है कि यहाँ पे जो भी जनरली एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसको डेवलप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि यहाँ पे C++ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। जैसे कि C जो थी वो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज थी, वहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ इसमें किया गया है, जिसको डेवलप किया गया है ब्राजर ने, स्ट्रॉस्ट्रप ने, एट बेल लैब्स ऑफ AT&T इन द नियर ऑफ 1980 इन USA, जहाँ पे C को डेवलप किया गया था बेल लैब्स के अंदर, वहीं पे C++ को भी डेवलप किया गया है, जो कि USA में 1980 में किया गया था। C++ इज़ अ केस सेंसिटिव फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो अपर केस और लोअर केस है उन दोनों का जो मीनिंग है यार डिफरेंट होता है। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब कि आप इसका यूज़ करना चाहें तो फ्रीली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई चार्जेस देने की नीड नहीं होती है। अब हम आगे देखते हैं कि C++ इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट इन कैप्चुलेट्स बहुत हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स। मतलब कि यहाँ पे हम C++ को एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को ही सपोर्ट करता है। इसलिए एक तरह की मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कही जाती है ये। इन आइदर द नेम ऑफ C++ वॉज सी विद क्लासेस। जो C++ था उसका जो पहले नेम था वो सी विद क्लासेस था। इट इज़ एन कंपाइल लैंग्वेज। ये एक प्रकार की कंपाइल लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर हम जब भी कोई कोड लिखते हैं, जो भी हमारा सोर्स कोड हम लिखते हैं वो पहले कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है, देन उसके बाद में मशीन कोड में चेंज होता है। मतलब कि जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है वो हमारा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होगा। C++ के अंदर कंपाइलर यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो उसके लिए कंपाइलर ये वर्क करता है कि उसको मशीन कोड में चेंज करता है, देन बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस प्रकार से हमारी C++ की जो प्रोसेस है वो चलती है। अब हम सिंटैक्स देखेंगे, C++ का क्या सिंटैक्स है उसका यूज़ करते हुए ही हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। जैसे कि हैश इंक्लूड iostream.h, ये एक हेडर फाइल होती है जो प्रीडिफाइन होती है। उसके अंदर जो हैश सिंबल होता है ये एक प्री प्रोसेसर होता है। इंक्लूड एक स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, हमारी जो iostream.h जो हेडर फाइल होती है उसको प्री प्रोसेसर से बाइंड करने के लिए, ऐड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और iostream.h जो है एक प्री डिफाइन हेडर फाइल होती है जिसका .h एक्सटेंशन होता है। इसका यूज़ हमारे प्रोग्राम में इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो इसी हेडर फाइल में प्रीडिफाइन होते हैं। इसलिए इसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है ताकि हम इजीली हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकें। सेकेंड, हैश इंक्लूड conio.h, ये भी एक प्रीडिफाइन हेडर फाइल होती है जिसका यूज़ हमारे प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए करते हैं। देन फिर हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हर एक कोड के अंदर, हर एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता मेन फंक्शन के बिना। उसके बाद में हमारे कर्ली ब्रैकेट्स की बॉडी स्टार्ट होती है, देन हमारा जो भी एक्चुअल कोड होता है वो हम यहाँ लिखेंगे, देन हमारा कोड के बाद में वापस जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज होते हैं। इस तरह से हमारा C++ का प्रोग्राम को हम लिखते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, देन उसके बाद में हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि हमको सबसे पहले हमारे कोड से रिलेटेड हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारा कोड किसका है, हम क्या कोड लिख रहे हैं उसको हम सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो उसको हम कमेंट का यूज़ करके हम देंगे ताकि वो जो पार्ट होता है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है कोड के अंदर।
सेकेंड होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के अंदर जो भी हम हेड ऑफ इंक्लूड करते हैं हमारे स्टार्टिंग में, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है। फिर बाद में आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। फिर हम यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशंस करते हैं, जो भी हम डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, वो सब इसके बाद में होता है। तो इस तरह से इन फोर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कोड को लिखते हैं, ताकि हमारा एक सिस्टमेटिक कोड ऑर्गेनाइज होता है और फिर हम उसको एग्जीक्यूट ईजिली